नमस्कार, Ubuntu Linux Desktop 1604 पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जीनोम एनवायरनमेंट पर Ubuntu Linux Desktop और Ubuntu Desktop पर कुछ सामान्य एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu Linux 1604 ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रही हूँ। Ubuntu Desktop इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन के बाईं ओर पर लॉन्चर देखेंगे। हम लॉन्चर को कैसे छिपा सकते हैं? ऐसा करने के लिए बाईं ओर लॉन्चर पर जाएं, सिस्टम सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें, सिस्टम सेटिंग्स विंडो में अपीयरेंस पर क्लिक करें, अपीयरेंस विंडो में बिहेवियर टैब पर क्लिक करें। यहाँ ऑटो हाइड द लॉन्चर को ऑन पोजीशन में स्विच करें। अब लॉन्चर छिप जाएगा। यदि लॉन्चर छिप जाता है जैसा यहाँ दिखाया गया है तो हम इसे फिर से विजिबल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए स्क्रीन के सबसे बाईं ओर कर्सर ले जाएं, लॉन्चर विजिबल होगा। कर्सर हटा दें और लॉन्चर फिर से छिप जाएगा। वापस अपीयरेंस विंडो पर जाएं और ऑटो हाइड द लॉन्चर को ऑफ कर दें। विंडो के ऊपरी बाईं ओर पर छोटे एक्स आइकन पर क्लिक करके इस विंडो को बंद करें। ध्यान दें, डिफॉल्ट रूप से लॉन्चर पर कुछ आइकन्स हैं। लॉन्चर के ऊपर आप डैश होम आइकन देख सकते हैं। डैश होम एक इंटरफेस है जो स्क्रीन पर Ubuntu Linux में सभी एप्लीकेशंस के लिए एक्सेस देता है। डैश होम खोलने के लिए इस पर क्लिक करें। मुख्य रूप से ऊपरी ओर आप एक सर्च बार फील्ड देखेंगे। अब हम किसी विशिष्ट एप्लीकेशन पर कैसे जाएं? जो एप्लीकेशन आपको चाहिए केवल उसका नाम टाइप करें और आप उसे तुरंत पाएंगे। यह इतना आसान है। कैलकुलेटर एप्लीकेशन पर जाने की कोशिश करते हैं। सर्च बार फील्ड में टाइप करें CALC। सभी एप्लीकेशंस जिनके नाम में CALC होगा सूचीबद्ध होंगे। यहाँ ध्यान दें, लिब्रे ऑफिस कैल्क और कैलकुलेटर दोनों सूचीबद्ध हैं। कैलकुलेटर आइकन पर क्लिक करें। कैलकुलेटर एप्लीकेशन अब स्क्रीन पर खुलता है। कैलकुलेटर अंक गणित वैज्ञानिक या वित्तीय गणना करने में मदद करता है। कुछ साधारण गणना करते हैं। टाइप करें 5*8 और इक्वल टू चिन्ह पर क्लिक करें। इक्वल टू चिन्ह पर क्लिक करने के बजाय आप कीबोर्ड पर एंटर की भी दबा सकते हैं। उत्तर कैलकुलेटर पर प्रदर्शित होता है। इसी तरह हम कैलकुलेटर एप्लीकेशन का उपयोग करके सभी प्रकार की गणना कर सकते हैं। अब विंडो के ऊपरी बाईं ओर पर छोटे एक्स आइकन पर क्लिक करके इस कैलकुलेटर से बाहर आएं। Ubuntu Linux OS में कुछ अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशन से परिचित होते हैं। उसके लिए हम डैश होम पर वापस जाएंगे। सर्च बार में टाइप करें gedit। gedit Ubuntu Linux OS में डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर आइकन नीचे दिखता है। इसे खोलने के लिए इस पर क्लिक करें। आप अभी स्क्रीन पर gedit टेक्स्ट एडिटर विंडो देख रहे हैं। मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ टाइप करती हूँ। उदाहरण स्वरूप टाइप करें हेलो वर्ल्ड। फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल और एस कीज एक साथ दबाएं। वैकल्पिक रूप से हम फाइल और फिर सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अब सेव एस नामक एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये फाइल नेम और स्थान के लिए पूछता है जहाँ फाइल सेव करनी है। hello.txt नाम टाइप करें। .txt टेक्स्ट फाइल के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन है और स्थान के लिए डेस्कटॉप चुनें तथा नीचे सेव बटन पर क्लिक करें। अब विंडो के ऊपरी बाईं ओर पर एक्स आइकन पर क्लिक करके gedit विंडो बंद करें।
डेस्कटॉप पर हम फाइल hello.txt देख सकते हैं, जिसका अर्थ है हमारी टेक्स्ट फाइल सफलतापूर्ण सेव हो गई है। इस पर डबल क्लिक करके फाइल खोलें। देखिए हमारी टेक्स्ट फाइल लिखे गए टेक्स्ट के साथ खुल गई है। gedit टेक्स्ट एडिटर पर इंटरनेट पर बहुत जानकारी है। यहाँ इस वेबसाइट पर इस विषय पर कुछ स्पोकन ट्यूटोरियल्स भी उपलब्ध हैं। इस टेक्स्ट एडिटर को बंद करें और अन्य एप्लीकेशन देखें जो टर्मिनल है। अतः फिर से डैश होम पर जाएं। अब सर्च बार फील्ड में टर्मिनल शब्द टाइप करें। टर्मिनल आइकन पर क्लिक करें जो नीचे दिखता है। टर्मिनल विंडो स्क्रीन पर खुलता है। कृपया ध्यान दें, टर्मिनल को खोलने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट टी कीज हैं। टर्मिनल को कमांड लाइन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ से कंप्यूटर को कमांड देते हैं। असल में यह GUI से अधिक प्रभावशाली है। टर्मिनल विंडो पर वापस जाएं। अब टर्मिनल का अनुभव लेने के लिए एक साधारण कमांड टाइप करें। टाइप करें ls और एंटर दबाएं। आप वर्तमान डायरेक्टरी में सभी फाइल्स और फोल्डर्स की सूची देख सकते हैं। यहाँ ये फाइल्स और फोल्डर्स होम फोल्डर से दिखा रहा है। हम इस ट्यूटोरियल में बाद में देखेंगे कि होम फोल्डर क्या है। हम अब टर्मिनल के साथ अधिक समय नहीं बिताएंगे। विंडो के ऊपरी बाईं ओर पर छोटे एक्स आइकन पर क्लिक करके टर्मिनल बंद करें। टर्मिनल कमांड्स इस वेबसाइट पर लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल की श्रृंखला में अच्छे से समझाए गए हैं। अब अन्य एप्लीकेशन पर जाते हैं जो है Firefox वेब ब्राउजर। एक बार फिर से डैश होम खोलें। सर्च बार में Firefox टाइप करें। Firefox वेब ब्राउजर आइकन पर क्लिक करें। Firefox वेब ब्राउजर का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि Firefox ब्राउजर विंडो खुला है। स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर जाएं। उसके लिए एड्रेस बार पर क्लिक करें या कीबोर्ड पर F6 दबाएं। अब टाइप करें spoken-tutorial.org और एंटर दबाएं। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो फायरफॉक्स दी गई वेबसाइट से कनेक्ट होगा। स्पोकन ट्यूटोरियल होम पेज ब्राउजर पर खुलता है। पहले बताए गए अनुसार इसको बंद करें और अगले एप्लीकेशन पर जाएं। अतः फिर से डैश होम पर जाएं और सर्च बार में ऑफिस टाइप करें। आप विभिन्न लिब्रे ऑफिस घटक देखेंगे, जैसे कैल्क, इम्प्रेस, राइटर और ड्रॉ। लिब्रे ऑफिस उबंटू लिनक्स ओएस में ऑफिस एप्लीकेशन है। इन सभी घटकों पर बेहतरीन ट्यूटोरियल्स स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अब वीडियो ऑप्शन देखते हैं। सर्च बार में टाइप करें वीडियो। प्रदर्शित सूची में हमारे पास एक वीडियोस नामक एप्लीकेशन है। वीडियोस वीडियो और गाने प्ले करने के लिए उपयोगित है। डिफॉल्ट रूप से ये केवल ओपन फॉर्मेट वीडियो फाइल्स प्ले करता है। मैं मेरे पेन ड्राइव से एक सैंपल फाइल प्ले करती हूँ। अब मैं मेरी मशीन पर USB स्लॉट में मेरा पेन ड्राइव प्रविष्ट करती हूँ। पेन ड्राइव फोल्डर स्वतः ही खुलता है। यदि यह नहीं खुलता है तो हम इसे लॉन्चर से एक्सेस कर सकते हैं। लॉन्चर पर पेन ड्राइव आइकन पर जाएं। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं, ये पेन ड्राइव पर उपलब्ध फाइल्स और फोल्डर्स दिखाता है। अब मैं प्ले करने के लिए bigbuckbunny.ogv मूवी फाइल चुनूंगी। मेरी फाइल यहाँ है। इसे खोलने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी। यह डिफॉल्ट रूप से वीडियोस में खुलता है। मूवी प्ले करना रोके। अब डेस्कटॉप प्राप्त करने के लिए कंट्रोल, विंडोज और डी कीज एक साथ दबाएं। अब इस डेस्कटॉप पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। ध्यान दें, फोल्डर आइकन लॉन्चर में मौजूद है। इस पर क्लिक करें। होम फोल्डर खुलता है। उबंटू लिनक्स में प्रत्येक यूजर का विशिष्ट होम फोल्डर होता है। हम कह सकते हैं कि होम फोल्डर हमारा घर है, जहां हम अपनी फाइल्स और फोल्डर्स रख सकते हैं, जब तक हम अनुमति नहीं देते। अन्य उन्हें देख नहीं सकते हैं।
फाइल परमिशंस पर अधिक जानकारी लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल श्रृंखला में उपलब्ध है। वापस जाएं, अपने होम फोल्डर में हम अन्य फोल्डर्स देख सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स आदि। लिनक्स में सब कुछ फाइल है, इस पर डबल क्लिक करके डेस्कटॉप फोल्डर खोलें। यहाँ हम देख सकते हैं वही hello.txt फाइल जिसे हमने टेक्स्ट एडिटर से सेव किया था। ये फोल्डर और डेस्कटॉप समान है। अब फोल्डर बंद करें। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने Ubuntu डेस्कटॉप लॉन्चर और इस पर उपलब्ध कुछ आइकन्स, कुछ सामान्य एप्लीकेशंस जैसे कैलकुलेटर, टेक्स्ट एडिटर, टर्मिनल, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, वीडियोस और लिब्रे ऑफिस सूट के घटकों और होम फोल्डर के बारे में सीखा। निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है, कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। क्या आपके पास इस स्पोकन ट्यूटोरियल पर कोई प्रश्न है? कृपया इस साइट पर जाएं, मिनट और सेकंड का चयन करें जहां पर आपको प्रश्न है। अपने प्रश्न को संक्षेप में बताएं, हमारी टीम का कोई व्यक्ति उनका जवाब देगा। स्पोकन ट्यूटोरियल फोरम इस ट्यूटोरियल पर विशिष्ट प्रश्नों के लिए है, कृपया उन पर असंबंधित और सामान्य प्रश्न पोस्ट न करें। ये अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा। कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को प्रशिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध है। ये स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।